आज हम लोग का जो रसायन का जो कि उष्मा गति की हम लोग पढ़ रहे हैं उसका आज सेकंड लेक्चर है। उसमें हम लोग पढ़ेंगे एंथैल्पी के बारे में। एंथैल्पी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अवस्था फलन है। जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे एक अवस्था फलन था तुमको आंतरिक ऊर्जा, तो आज उसी से जुड़ा हुआ एक अवस्था फलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है एंथैल्पी। तो एंथैल्पी क्या होता है, जैसे कि एंथैल्पी तुमको होगा यह भी कहेगा कि आंतरिक ऊर्जा से जुड़ा हुआ है अवस्था फलन। तो किसी निकाय यह भी अवस्था एंथैल्पी एक अवस्था फलन है। इसे एच से निरूपित किया जाता है, एच से निरूपित किया जाता है और एच बराबर हो जाएगा तुमको यू प्लस पी भी। एच हो गया एंथैल्पी का हूं और यह हो जाएगा यू प्लस पी भी। यू को के बारे में परिचित होगा, U हो गया तुमको आंतरिक ऊर्जा, H तो एंथैल्पी है तुमको, H हो गया क्या था तुम्हारा एंथैल्पी। U क्या है इसमें, U है तुमको आंतरिक ऊर्जा, U हो गया आंतरिक ऊर्जा और P तो हो गया दाब और V हो गया तुमको आयतन। तो ये हो गया तुमको अवस्थापन, जो निरावस्थापन हम लोगों ने परिभाषित किया वह आंतरिक ऊर्जा के पर निर्भर करेगा। यह अवस्था फलन है, इसका मतलब है कि यह तुमको किस पर निर्भर करेगा, यह निकाय के अवस्था पर निर्भर करता है ना कि उसके द्वारा गमन किए गए पथ पर निर्भर करेगा। यह अवस्था फलन है, इसका क्या मतलब हो गया कि यह तुमको अवस्था फलन है, यह निकाय की एंथैल्पी निकाय की अवस्था पर निर्भर करती है, अवस्था पर निर्भर करती है नौकी प्रकरण के पाथ पर। जिस अवस्था में है उसी पर निर्भर, इसलिए अवस्था फलन के नाम से इसको जाना भी जाएगा। अब अगर डेल्टा जैसे कि एच बराबर है तुमको यू प्लस पी भी, तो अगर हम लोग डेल्टा एच एंथैल्पी परिवर्तन की बात करेंगे, एंथैल्पी परिवर्तन की तो एंथैल्पी परिवर्तन का मतलब क्या होता है, वो डेल्टा एच तो ये किसके बराबर है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी भी। तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल भी जहां जब पी नियत हो, जब पी बराबर नियत, तो नियत दाब पर जो तुमको एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, उष्मा भी कह सकते हैं, उसे हीट भी कह सकते हैं। ये तुमको हो गया अवस्था परिवर्तन, ये हीट के बराबर हो गया। तो डेल्टा एच बराबर एंथैल्पी परिवर्तन नियत दाब पर हो गया, नियत दाब पर डेल्टा एच, क्योंकि वायुमंडल वगैरह जो हम लोग जो सामान्यतः प्रतिक्रिया कराते हैं तो वायुमंडल का जो दाब होता है, एक वायुमंडलीय दाब, वह स्थिर रहता है। तो सामान्यतः जो कि हम लोग जो प्रतिक्रिया कराते हैं तो उसमें जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे हम लोग उष्मा के रूप में भी इसको जानते हैं। तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल भी, तो सामान्य प्रक्रिया में क्या होता है, दाब हमारा जनरली निश्चित होता है। तो ये तुमको एंथैल्पी परिवर्तन का मान हो गया डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल भी। इसको हम लोग क्यू से भी निर्धारित करते हैं, सामान्य दाब नियत दाब पर, समान दाब या नियत दाब पर, नियत दाब पर डेल्टा एच को उष्मा क्यू से भी निरूपित किया जाता है, क्यू से भी निरूपित किया जाता है।
तो क्यू बराबर होता है तुमको डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी, ये सारे कर सकते हैं क्यू उष्मा जिसको कहते हैं लोग क्यू उष्मा। तो ये तुमको ऐसा ही संकेत हम लोग लिख सकते हैं, या डेल्टा एच या नियत दाब पर है तो इसको डेल्टा एच एंथैल्पी परिवर्तन भी कह सकते हैं। एक उदाहरण दिया हुआ है उसको हम लोग इसमें शामिल करते हैं, जो कि उदाहरण है तुमको किताब का जो तुम्हारा है पांचवा नंबर उदाहरण है। तो पांचवा नंबर उदाहरण में दिया हुआ है कि तुमको 100 डिग्री सेल्सियस पर एक तुमको जो जलवाष्प है जो पानी को जलवाष्प में बदलना है, तो पानी को जलवाष्प में बदलने के लिए कितना तुमको उसमें आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा, जबकि उसका जो वाष्पीकरण का जो दिया हुआ है उष्मा का मान दिया हुआ है 41 किलो जूल प्रति मोल। जलवाष्प को जल को जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर जलवाष्प में बदलने के लिए 41 किलो जूल प्रति मोल का उष्मा का जरूरत पड़ता है, तो क्यू का मान तुम्हें दिया हुआ है, तो क्यू का मान दिया हुआ है और हमको दिया हुआ है कि जल से बनाना है जलवाष्प और ताप है तुमको जाहिर है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है पानी का 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस को कहते हैं, तो उसकी जरूरत पड़ेगी। पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट में है बर्फ बदलने के लिए कितना उष्मा का जरूरत पड़ेगा। तो बर्फ दूसरा पार्ट में है तुमको, पहला पार्ट पहले बना लेते हैं। तो पहला पार्ट में है जल को जलवाष्प में बदलना है, तो उसके आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा। तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा इसको हमको निकालना है। उदाहरण नंबर एनसीईआरटी का 5, एनसीईआरटी उदाहरण 5 नंबर है। H2O लिक्विड है, इससे H2O गैस बनेगा, H2O लिक्विड से H2O गैस बनाना है। तो ये जो तुम्हारा होगा जो H2O लिक्विड से H2O गैस बनाना, जो कि हम लोग को उष्मा की जरूरत पड़ेगी, उसका क्या मान होगा। H2O लिक्विड से H2O गैस बदलना है तो उसके लिए क्या होगा। तो इसके लिए जैसे जरूरत पड़ेगा तुमको, तो ये तुम्हारा हो जाएगा डेल्टा U का मान चाहिए। डेल्टा U बराबर होता है डेल Q, डेल्टा यू का मान चाहिए बराबर डेल क्यू या क्यू प्लस डब्ल्यू प्रथम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उष्मागतिकी का प्रथम नियम, उष्मागतिकी का प्रथम नियम इसी को लागू करते हैं, इसी से बना लेते हैं। तो डेल्टा एच यू चाहिए, तो डेल्टा यू आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन यही निकालना है, और इसका मान हमें दिया हुआ है क्यू का 41 किलो जूल दिया हुआ है प्रति मोल। इसका मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 41 किलो जूल प्रति मोल। इसको जब पानी से बर्फ बनाने, पानी से जलवाष्प बनाने में इसमें इतना ऊष्मा का खपत होगा। और जो तुम्हारा होता है कार्य जो होता है, जो कार्य इसमें जो कि मेल्यू हो जाए, इसमें तुमको डेल्टा जरूर डेल्टा एनजीआरटी हो जाएगा। पी डेल्टा भी बराबर क्या हो गया डेल्टा एनजीआरटी, पी भी बराबर एनआरटी से लिया गया है। जैसे कि इसको यहां पर और क्लियर कर दें, देखो पी भी इक्वल टू क्या होता है तुमको एनआरटी, तो P भी बराबर nRT है। तो P डेल V, P इंटू डेल V बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा NG, G मतलब गैस, क्योंकि मोल में जो चेंज होगा वो तो गैस के लिए ही खाली है, तो गैस में जितना परिवर्तन होगा। तो P डेल्टा में तो माइनस P डेल V होता था W का वैल्यू, W बराबर होता था माइनस P डेल V, तो बराबर क्या निकलेगा माइनस डेल्टा NGRT। ये तुम्हारा सूत्र हो गया इधर से, तो NGRT हो गया। तो अब यहां पर है तुमको 41 किलो जूल
और इन माइनस क्या हो जाते हैं किलोजूल प्रति मोल, माइनस डेल्टा एन मतलब कि गैस के मोल में कितना। इस प्रतिक्रिया में देखो H2O लिक्विड से H2O गैस बन गया, तो एक मोल इधर प्रोडक्ट हो गया माइनस, और H2O लिक्विड का मोल तो क्या मान सकते हैं जीरो, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड जो होता है ठोस और द्रव का जो तुमको लेंगे आयतन लगभग नगण्य होगा गैस की तुलना में। तो इसका क्या होता है तुमको गैस का खाली गैस इधर लेफ्ट साइड में है ही नहीं, एक माइनस जीरो डेल्टा एन का मान हो गया गुना आर का मान होता है आर से तीन और ताप है इसका 373 है 100 डिग्री सेल्सियस बटे 1000 कर दो तो किलो जूल में आ जाएगा तुमको, ये किलो जूल में आ गया, एक किलो जूल प्रति मोल के भी आ गया वहां पर। तो ये तुम्हारा घट करके आ जाएगा 37.940 किलो जूल प्रति मोल, ये तुम्हारा लगभग उत्तर आ जाएगा जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। दूसरा पार्ट क्वेश्चन का क्या है, दूसरा पार्ट में पढ़ो क्वेश्चन सेकंड नंबर, एक मोल जल को सेकंड नंबर है ना H2O लिक्विड से H2O सॉलिड बनाना है या बर्फ, H2O सॉलिड ये बर्फ हो गया। तो बर्फ में इसमें क्या है तुमको, इसमें जो कि तुमको जो कि डेल्टा यू निकालना है, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, ये भी होगा तुमको इसमें डब्ल्यू, इसमें क्या है गैस तो डेल्टा एन जी तो जीरो है, तो इसमें फिर डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा एन जी आर डी, तो यहां तो मोल है ही डेल्टा एन जी जीरो है, इसका मान कितना दिया हुआ है, इसका डेल्टा एन क्यू का मान कितना दिया हुआ है, डेल्टा क्यू का हाँ वही दिया होगा बर्फ में, यहाँ 41 लिखा था ना इसमें, हाँ। इसमें कितना है इस जगह पर आंसर कितना है सेकंड नंबर, वही सेकंड नंबर 41 किलो जूल प्रति मोल, 41 किलो जूल प्रति मोल इसलिए सेम रखा है, ये तो सेम नहीं होगा ऐसे तो खैर, इतना टाइम इसका डाटा तो बदलना चाहिए जो भी इसमें डेल्टा एन जी का वैल्यू जीरो होगा, तो ये तुम्हारा 41 किलो जूल प्रति मोल, ये तुमको जैसे किया डाटा तुमको यहाँ पर दोनों का सेम ही दे दिया गया है, जो कि यहाँ पर तो इसको या तो इसका लेकिन गलन का उसमें अलग होता है, तो प्रति मोल में जैसे इसका मान तो कम होता तो खैर यहाँ क्वेश्चन में नहीं है, तो इसको जाहिर है कि इस डाटा को क्या होना चाहिए चेंज होना चाहिए नहीं, तो यहाँ पे जो समझने वाला बात यही था कि डब्ल्यू का मान जो होगा वो शून्य होगा, तुम्हारा डब्ल्यू का मान शून्य ये होगा इसलिए कि तुमको डब्ल्यू का शून्य क्यों होगा, क्योंकि गैस में कोई परिवर्तन गैस ना बना ना पहले था, तो इसका मतलब जीरो माइनस जीरो हो गया, इसलिए इसका मान उसी के बराबर हो जाएगा, ये हो गया तुमको इसका मतलब कि सूत्र को बैठाने के लिए सीख गया। अब है तुमको इसके बाद कुछ टॉपिक हम लोग देखते हैं, एक है विस्तीर्ण एवं गहन एन्थैल्पी वगैरह जो तुमको है चाहे आंतरिक ऊर्जा, यह जो है तुमको निकाय के द्रव्यमान और आमाप पर निर्भर करता है, तो ये सबको एक विस्तीर्ण गुण कहते हैं, और कुछ जो कि गुण है तुमको निकाय का वह उसके आमाप पर निर्भर नहीं करता, उसका द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, उसको हम लोग कहते हैं गहन, तो उसको इंग्लिश में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी दोनों को एक साथ देख लेते हैं, विस्तीर्ण एवं गहन या दोनों को जैसे कि पहले हम लोग विस्तीर्ण गुण ही देख लेते हैं या अगले ही लिख लेते हैं, विस्तीर्ण विस्तीर्ण गुण एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी निकाय का वह गुण जो उसके द्रव्यमान एवं आमाप पर निर्भर करता है, एवं आमाप पर निर्भर करता है उसे विस्तीर्ण गुण कहते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए तुमको जैसे कि आंतरिक ऊर्जा है, जैसे जो गुण हुआ एंथैल्पी जो है तुम्हारा एंथैल्पी, चाहे तुमको जो है द्रव्यमान है आयतन उष्माधारिता भी हम लोग बताएंगे, तो उष्माधारिता इत्यादि
ये सब इसमें आएंगे, विस्तीर्ण गुण माता है। जैसे द्रव्यमान बड़ा होगा तो उस निकाय का उसका मान बदल जाएगा, तो कम होगा तो उसका मान बदल जाएगा आयतन के आधार पर। तो ये सब तुमको, ये जो तुम्हारा इंटेलिजेंस हमने उन्हें पढ़ा वो विस्तीर्ण गुण माता है। और एक निकाय का एक गुण होता है जिसको हम कहते हैं ग्रहण, तो हम उसको लिखते हैं ग्रहण इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव निकाय का वह, निकाय का वह जो निकाय के द्रव्यमान एवं आमाप पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, उसे गहन गुण कहते हैं। उसे गहन गुण कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा तुमको, जैसे घनत्व हो गया, दो विस्तीर्ण गुण का जैसे द्रव्यमान बटे आयतन, तो वो तुमको घनत्व हो गया, तुमको गहन। तुमको दूसरा है विशिष्ट ऊष्मा धारिता, विशिष्ट ऊष्मा धारिता और अर्थात ताप दाब इत्यादि, जब इसमें आ जाएगा गहन। और दो इसमें नोट करने वाली बात है, दो विस्तीर्ण गुणों का अनुपात एक गहन गुण का, दो विस्तीर्ण गुणों का अनुपात गहन गुण होता है, गहन गुण होता है। जैसे कि द्रव्यमान बटे, उदाहरण के द्रव्यमान बटे आयतन बराबर घनत्व, तो ये दोनों विस्तीर्ण गुण है, ये दोनों विस्तीर्ण गुण हो गए, लेकिन घनत्व क्या हो गया, ये गहन गुण हो गया, ये गहन गुण हो गया। ये तुमको दो मैंने ये अलग अलग तरह के ये गुण के बारे में परिभाषित किया गया, विस्तीर्ण गुण और गहन गुण। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद, ये तुमको तो गुण हो गया, तुमको विस्तीर्ण गुण और गहन गुण की परिभाषा हो गई, किस कौन सा गुण को निकाय का कौन सा गुण किस कैटेगरी में आएगा। अब हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं, आज देखते हैं ऊष्मा धारिता के बारे में। ऊष्मा धारिता जैसे कभी शब्द ले भी रहे थे, तो ये होता है किसी निकाय को अगर ऊष्मा दी जाए तो उसका ताप में अगर वृद्धि एक केल्विन करना हो तो जितना ऊष्मा की मात्रा की जरूरत पड़ती है उसे हम लोग उस निकाय की ऊष्मा धारिता कहेंगे। यह एक विस्तीर्ण गुण है, तो जाहिर है कि यह तुमको उसके द्रव्यमान, तो ऊष्मा धारिता का जो मान होगा इस बात पर निर्भर करेगा उस निकाय का द्रव्यमान कितना है, उस निकाय का आमाप कितना है, उस पर निर्भर करेगा। तो इससे हो गया तुमको विस्तीर्ण गुण, और उसी का एक जैसे कि फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट ऊष्मा धारिता, तो वह उसमें इकाई द्रव्यमान पर जब परिभाषित करेंगे एक गवा, तो उसका कुछ भी आकार हो तो उसका जब इकाई द्रव्यमान पर तो द्रव्यमान कैंसिल हो जाएगा, तो वो तुमको क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा तुमको गहन गुण हो जाएगा। तो ये हो गया तुमको, तो ऊष्मा धारिता के बारे में पढ़ते हैं। ऊष्मा धारिता कैपेसिटी का इंग्लिश होगा, ऊष्मा धारिता हीट कैपेसिटी CAPACITY हीट कैपेसिटी ऊष्मा धारिता। ऊष्मा धारिता क्या हो जाएगा, किसी निकाय को दी गई ऊष्मा की मात्रा, किसी निकाय को दी गई ऊष्मा की मात्रा जिससे उसका ताप
एक डिग्री सेल्सियस या एक केल्विन से परिवर्तित होता है उस निकाय की उष्माधारिता कहलाती है। उस निकाय की उष्माधारिता कहलाती है। तो सी उष्माधारिता, सी बराबर उष्माधारिता, सी बराबर हो गया उस निकाय को दी गई उष्मा बटे इकाई ताप में परिवर्तन बराबर क्यू बटे डेल्टा टी, क्यू बटे डेल्टा टी। ये तुम्हारा हो गया, या डेल्टा एच बराबर सी डेल्टा टी, ये तुमको क्यू गुना डेल्टा टी इकाई। इसका मात्रक भी क्या हो गया, साइन मात्रक क्या हो जाएगा इसका, जूल प्रति केल्विन, जूल प्रति केल्विन या किलो जूल में व्यक्त कर सकते हैं आप, या अगर बड़ा है तो किलो जूल या जूल प्रति केल्विन की हो गया। ये सुमन धारिता का ये माप होता है, उसी से है तुमको। अगर ये तुमको विशिष्ट गुण हो गया, अब इसे गहन गुण वगैरह लेंगे, विशिष्ट उष्मा धारिता इसे लेंगे, विशिष्ट उष्मा धारिता स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसको कहेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सीएपीएसआईटी वाय किसी निकाय के इकाई द्रव्यमान का ताप एक डिग्री सेल्सियस या एक केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस निकाय की विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहलाती है, विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहलाती है, विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहलाती है। तो ये तुमको विशिष्ट ऊष्मा धारिता जैसे हो गया कि एस है, इसको एस बराबर क्या हो गया, क्यू बटे एम डेल्टा टी, एम मतलब द्रव्यमान, ये हो गया द्रव्यमान से भाग गया जैसे, देखो ये तुमको हो गया, या सी बटे एम हो गया इकाई द्रव्यमान के, इसको बराबर सी बटे एम भी कह सकते, उष्मा धारिता ये हो गया सी हो गया, उष्मा धारिता बटे एम हो गया द्रव्यमान। ये तुमको तो उष्मा धारिता का मान हो गया तुमको सी बटे एम, तो इसका मात्रक क्या हो गया तुमको, ये तुमको जैसे देखो ये क्या गहन गुण हो गया, क्योंकि ये तुमको दो गहन गुण का, दो विस्तीर्ण गुण का अनुपात हो गया, इसका मतलब मात्रक हो जाएगा एसआई मात्रक क्या हो गया इसका, जूल और प्रति केजी प्रति केल्विन, ये मात्रक हो जाएगा इसका, जूल हो गया हीट का और प्रति केजी प्रति केल्विन। तो ये तुमको जो है किसी भी, जैसे कि पानी है, पानी का विशिष्ट मान 4100 जूल प्रति केजी प्रति ग्राम होता है, या तो तुमको इसका मतलब है कि ये तुमको 1 केजी पानी लीजिए, 5 केजी पानी लीजिए, 500 केजी पानी लीजिए, सबके लिए विशिष्ट मान समान रहेगा, लेकिन 5 केजी पानी लिया उष्मा धारिता अलग होगा, 10 केजी पानी लिया विशिष्ट उष्मा धारिता उसका अलग होगा। तो उष्मा धारिता में अगर विशिष्ट उष्मा धारिता में अगर द्रव्यमान से गुणा करते चल जाएंगे तो उसका उष्मा धारिता उसका निकल जाएगा उस निकाय का उष्मा, तो विशिष्ट उष्मा धारिता को ही लोग याद रखता है या उसको कर सकते हैं, और उष्मा धारिता तो जाएगा उसके द्रव्यमान के मुताबिक क्या होता जाएगा, बदल दिया जाएगा। इसी से जुड़ा हुआ एक और भौतिक राशि है जिसका नाम है मोलर उष्मा धारिता, तो जाहिर है कि ये मोल पर होगा, नाम से ही पता चलता है, तो मोलर उष्मा धारिता है तुमको, तो मोलर उष्मा धारिता ये हुआ तुमको किसी गैस, किसी निकाय का अगर एक किसी पदार्थ का ताप दाब अधिक द्रव्यमान कितना लेना है, 1 मोल ले लेगा उसका, तो 1 मोल ले लेंगे उसका ताप 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितना उष्मा की जरूरत पड़ेगी उसे हम लोग उसका मोलर उष्मा धारिता। और उष्मा जो होता है तुमको ये तो कार्य पर भी निर्भर करता है कि उष्मा बढ़ाना, जबकि उष्मा बढ़ाना ताप बढ़ाने का मतलब होता है आंतरिक ऊर्जा में क्या परिवर्तन आ रहा है, ताप का बढ़ाना जो है आंतरिक ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, तो आंतरिक ऊर्जा से जुड़ा हुआ है ताप का बढ़ाना, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तो वह जो है तुमको निर्भर करता है क्यू प्लस डब्ल्यू। इसका मतलब है कि जो उष्मा की मात्रा जो जरूरत पड़ेगी आपको वह तो डब्ल्यू पर भी क्या करेगा, निर्भर करेगा कितना कार्य क्या हुआ है हो रहा है उसी पर किसका मान निर्भर करेगा, डब्ल्यू का मान निर्भर करता है, तो डब्ल्यू का भी मान उस पर डब्ल्यू पर निर्भर करेगा।
तो ये जो तुम्हारा होगा, तो ये जो तुम्हारा मनन हो गया, तुमको निर्भर करेगा इस पर, W पर भी निर्भर करेगा। तो W तो अलग अलग जो प्रक्रिया है, जब कभी नियत दाब लेंगे, नियत आयतन लेंगे, तो उसके आधार पर क्या हो जाता है, तुमको जो मूलन उष्माधारिता का मान है वह बदलती जाएगा। तो उष्माधारिता का मान जो बदलेगा, नियत दाब पर अलग होगा, नियत आयतन पर क्या होगा, वो अलग होगा। तो उसके लिए हम लोग अलग अलग प्रकरण में उष्माधारिता का मान भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो उसके दो मूलन उष्माधारिता हम लोग यूज करते हैं, सीपी और सीवी, एक नियत दाब पर, एक नियत आयतन पर। तो उसके लिए सूत्र होता है तुमको सीपी माइनस सीवी बराबर आर। जैसे ये सूत्र है तुमको इसको प्रूव करेंगे, सीपी माइनस सीवी बराबर आर। इसमें सीपी क्या है, सीपी को लिखते हैं नियत दाब पर मूलन उष्माधारिता, नियत दाब पर मोलर उष्मा धारिता। सीबी क्या होगा, नियत आयतन पर मोलर उष्मा धारिता, नियत आयतन पर मोलर उष्मा धारिता। इन दोनों का में संबंध है, तो सीपी माइनस सी आर इसको प्रूव करना है। तो इसका परिभाषा, तो मोलर उष्मा धारिता का मतलब एक मोल का ताप एक केल्विन बढ़ाने में जो उष्मा मिलेगी। तो चलिए परिभाषा से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि पहले सीबी से स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसको बाद प्रूव करेंगे या इसी में प्रूव भी कर देंगे, तो चलो इसी में प्रूव भी कर जाते हैं इसी पर। तो पहले इसी को बढ़ाते हैं, इसी में परिभाषा दिया जाएगा। नियत आयतन पर किसी गैस के एक मोल का ताप, गैस के एक मोल का ताप एक केल्विन बढ़ाने के लिए, एक केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा के लिए, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा नियत आयतन पर मोलर ऊष्मा धारिता, संकेत सी भी कहलाती है, सी भी कहलाती है। यदि किसी गैस के एक मोल का ताप, गैस के एक मोल का ताप नियत आयतन पर बढ़ाने, एक डेल्टा टी कैलोरी बढ़ाने के लिए, डेल्टा टी कैलोरी बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा क्यू भी हो, तो सी भी बराबर क्यू भी बटे एन डेल्टा टी, सी भी बराबर क्यू भी बटे एन डेल्टा टी। तो क्यू भी बराबर हो गया एन सी भी डेल्टा टी, क्यू भी ना तो उष्मा गति का प्रथम नियम, उष्मा गति की का प्रथम नियम लागू करते, उष्मा गति की का प्रथम नियम। तो यू बराबर होता है तुमको डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। तो जब नियत आयतन पर डब्ल्यू बराबर जीरो, तो डेल्टा यू बराबर क्यू भी, और तो डेल्टा यू बराबर हो गया एन सी भी डेल्टी। ये हो गया तुम्हारा डेल्टा यू, इसको पहला समीकरण मान लो इसको। अब हम लोग इसको लिखते हैं, अब हम लोग इसी का स्टार्ट करेंगे। हम लोग अब ये जो काम है, जैसे नियत आयतन पर हो गया, अब हम लोग इसी को जैसे परिभाषित भी करेंगे नियत दाब पर, सिर्फ उसमें परिवर्तन हो जाएगा कि नियत दाब आ जाएगा उसमें, नियत जहां पर आयतन था वहां पर नियत दाब लिख लेंगे, तो इससे सीपी आ जाएगा। लेकिन उसमें उष्मा गति का जो प्रथम नियम है, तो उसमें डब्ल्यू जीरो नियम, इस प्रकार से दोनों हमको संबंध भी कर जाएगा, दोनों में हमको संबंध आ जाएगा नियत और नियत आयतन के बीच में। चलो तो इसको हम लोग अब पहला समीकरण लिख लिया, डेल्टा यू बराबर एन सी भी डेल्टी, ये कभी भी किसी भी प्रक्रम में लागू हो जाता है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन बराबर एन सी भी डेल्टी। नियत दाब पर एक मोल गैस का ताप
एक केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा नियत ताप पर मोलर ऊष्मा धारिता, मोलर ऊष्मा धारिता सीपी कहलाती है, सीपी कहलाती है। तो ज्यादातर एन मोल गैस का ताप था, एन मोल गैस का ताप डेल्टा टी बढ़ाने के लिए नियत ताप पर ऊष्मा क्यूपी हो तो सीपी बराबर हो गया क्यूपी बटे एन डेल्टा टी। तो क्यूपी बराबर हो गया एन सीपी डेल्टा टी। अब और चूंकि गैस नियम से ले लिख लेते तब ऊष्मा गति गैस नियम से भी बराबर हो गया एन आर टी। नियत दाब पर तो पी कॉन्स्टेंट, पी बाहर आ गया तो पी डेल भी बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि कॉन्स्टेंट एन आर तो कॉन्स्टेंट होता है एन आर डेल, पी भी बराबर एन आर डेल। इसका जरूरत पड़ेगा हम आगे यूज करेंगे, इसलिए लिखिए। अब ऊष्मा गति का प्रथम नियम आपको, ऊष्मा गति का प्रथम नियम तो डेल्टा यू बराबर होता है क्यू प्लस डेल्टा। तो डेल्टा यू का मान हम लोग निकाल चुके समीकरण एक में, एनसीपी डेल्टी है, यहां नियत दाब पर है क्यूपी भी कर सकते हैं, इसको क्यूपी है, और डब्ल्यू का मान होता है क्यूपी नियत दाब पर माइनस पी डेल्टी होता है, माइनस पी डेल्टी ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब हो गया तुमको एनसीपी डेल्टी बराबर क्यूपी का मान तुमको एनसीपी डेल्टी है, अब माइनस पी डेल्टी का मान है एन आर डेल्टी, एन आर डेल्टा टी, एन डेल्टा टी तो कॉमन लेके तुमको कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब हो गया कि सीपी बराबर है सीपी माइनस आर है, या सीपी माइनस सीपी बराबर क्या हो गया वो आर हो गया। तो उसमें ऊष्मा गति का प्रथम नियम से इसको प्रूव करने में हमको मदद मिला। तुमको पहले क्या किया गया, पहले हम लोग नियत दाब पर नियत आयतन पर डिफाइन कर लिए, उससे समीकरण एक आया, जिसका समीकरण एक का यहां पर उपयोग किए हम लोग, एनसीपी डेल्टा यू बराबर क्या होता है एनसीपी डेल्टी, ये किसी भी प्रोसेस में कभी भी लागू होगा क्योंकि डब्ल्यू उसमें शून्य हो जाता है, और नियत दाब पर जब इसको परिभाषित किए तो उसको परिभाषित करके सीपी का वैल्यू सीपी निकाले थे, डेल्टा उसका प्रथम नियम लगाए और गैस का जो नियम होता है उसका उपयोग करते हुए इसको आसानी से प्रूव कर दिया गया। ये हो गया तुमको सीपी माइनस सीपी बराबर आर हो गया तुमको, ये मोलर ऊष्मा धारिता हो गया तुमको नियत दाब पर और नियत आयतन पर, उन दोनों में संबंध हो। इसके बाद तुमको दिया हुआ है एक तुमको ऊष्मा का तुमको मापन करने के लिए होता है तुमको डेल्टा बॉम्ब कैलोरीमीटर में करते हैं। कैलोरीमीटर में क्या होता है कि गर्म वस्तु कुछ क्या करता है ऊष्मा ग्रहण करता है, ठंडा वस्तु को क्या किया जाता है उसके लिए ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। तो डेल्टा एच और डेल्टा यू का मापन जो होता है तुमको एक विशेष प्रकार के उपकरण में किया जाता है एंथैल्पी और आंतरिक ऊर्जा का, जिसको हम लोग कहते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर, जिसमें जिसके कि आयतन क्या रहता है निश्चित रहता है। तो जैसे उसमें किसी भी ऊष्मा प्रक्रिया को जब हम लोग पढ़ाते हैं तो उसके आधार पर हम लोग उसका मापन कर सकते हैं। तो जैसे कोई उदाहरण है मैं उसी के द्वारा उसको बता दे रहा हूं, इसका कोई ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है। एक विशेष प्रकार का उपकरण होगा जिसमें कि क्या होता है एक थर्मामीटर लगा हुआ रहेगा, कैलोरीमीटर कहलाता है, जिसमें कि तुमको बाहर से क्या रहेगा कुचालक रहेगा, उसको सब तरफ से घेरे हुए रहिएगा और उस तरह से उसमें भी प्रतिक्रिया कराएंगे, तो उसमें जैसे कितना उसका ताप बढ़ता है उसको थर्मामीटर से क्या कर लेते हैं ज्ञात कर लेते हैं, और जब प्रतिक्रिया उसमें कराते हैं तो उस ये माना ये पता चला कि उस प्रतिक्रिया से अगर इसका ताप इतना बढ़ा तो उसकी जो है पर उस प्रतिक्रिया में कितना ऊष्मा निकला होगा, इससे उसका मान पता चल जाता है।
तो इस आधार पर क्या कर सकते हैं लोग, जैसे उदाहरण तुमको एक बता देते हैं, उसी से हो जाएगा डेल्टा एच और डेल्टा यू का मॉपर, उसी से रिलेटेड होगा, उसका छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन है तुम्हारे किताब में उदाहरण नंबर छठा है तुमको, जिसमें कि जो उष्मागतिकी का हम लोग अध्याय है उसमें छठा नंबर उदाहरण है, उसमें यह दिया गया कि 1 ग्राम ग्रेफाइट को ऑक्सीजन के सप्लाई में जलाया, ऑक्सीजन काफी मात्रा में है और उसको जलाया गया, तो उससे देखा गया कि जो बम कैलोरीमीटर का जो ताप है 298 कैलोरी से बढ़कर 299 कैलोरी हो गया, मतलब 1 कैलोरी का उसमें वृद्धि हो गया, 1 कैलोरी का उसमें वृद्धि हो गया। तो निकालना है इस प्रक्रिया से, और उसकी जो है उष्मा धारिता जो है तुमको उसमें जो है तुमको उसका मान दिया हुआ है, किलोमीटर का उष्मा धारिता है 20.7 है, कितना है 20.7 किलो जूल प्रति केल्विन। तो एनसीईआरटी उदाहरण नंबर 6, उदाहरण 6 देखते हैं, इसमें है कि एक सी मतलब ग्रेफाइट को कार्बन सॉलिड रूप में प्लस O2 गैस से बन गया तुमको CO2 गैस, यहां पे बनता है CO2 गैस बनता है। अब यहां पर है कि तुमको इसमें तुमको इसका जो है प्रति ग्राम 1 ग्राम ग्रेफाइट जलाया गया, तुम्हारे क्वेश्चन में 1 ग्राम ग्रेफाइट से कैलोरीमीटर का ताप से जलाने पर ताप 298 केल्विन से 299 केल्विन हो गया, 298 से 299 केल्विन हो गया, और सी का मान जो तुमको है वो उष्मा धारिता है तुमको 20.7 किलो जूल प्रति केल्विन है कैलोरीमीटर का। तो जो भी देखो ये जलाए हुए तो उससे कुछ उष्मा निकला, और इस उष्मा का क्या किया, ये जो है प्रयोग करके इसका ताप बढ़ गया, जो उष्मा उपयोग में आया तो C बराबर हम लोग पढ़ते क्या चाहिए Q बाय डेल्टा T। तो अब जाहिर है कि जो उष्मा निकला होगा वो किस में गया होगा, इसको गर्म करने में गया, तो Q बराबर क्या होगा C × डेल्टा T। C का मान दिया 20.7 किलो जूल और 299 केल्विन माइनस 298 केल्विन, यही हुआ तुमको 1 केल्विन हुआ, तो दैट इज 20.7 किलो जूल का तुमको क्या हो रहा है किलो जूल, ये तुमको निकला उष्मा, ये कितना से निकला 1 ग्राम जलाने पर इतना उष्मा निकलता है 1 ग्राम ग्रेफाइट से, ये माइनस में दे सकते हैं उष्मा छेपी के लिए माइनस देते हैं इसका, उष्मा उष्मा छेपी है तो उष्मा क्या होगा तुमको एंथैल्पी परिवर्तन निगेटिव होगा, उष्मा छेपी के लिए डेल्टा एच उष्मा छेपी प्रकरण के लिए डेल्टा एच बराबर हो गया माइनस 20.7 किलो जूल प्रति ग्राम, वही 1 ग्राम जलाने के लिए 1 ग्राम में हुआ। अब इसी को अगर 1 मोल में व्यक्त करना होगा तो डेल्टा एच मतलब 1 मोल के माइनस 20.7 1 ग्राम में तुमको इतना हाइड्रोजन कार्बन का कितना 12 ग्राम इतना होगा किलो जूल प्रति मोल में आ गया, तो 20.7 गुना 12 तो 240 और 248.4 किलो जूल प्रति मोल हो गया तुमको, और ये तुमको इतना उष्मा इसमें निकलेगा इतना 1 जूल जलाने पर। यही तुमको इस बम कैलोरीमीटर में ये प्रयोग करके हम लोग क्या किया गया उसका ताप में कितना वृद्धि हुआ, और उसके आधार पर हम लोग क्या निकाल लिए इसका, जाहिर है कि नियत आयतन है तो जो भी उष्मा जो कि लगा है सब इसमें गया है, इसमें डबल नियत आयतन पर होने के कारण नियत आयतन के कारण डब्ल्यू बराबर 0, तो जो भी उष्मा गया जो Q बराबर डेल्टा U बराबर QV, इसमें जो भी Q निकाल रहे हैं डेल्टा H उस ताप में ही वृद्धि में जाएगा, क्योंकि यहां पर कार्य बॉम्ब कैलोरीमीटर में कार्य नहीं होगा, वहां पर क्या होता है पूरा बंद रहता है, एक बर्तन है जैसे कैलोरीमीटर किस तरह का बर्तन है, इस तरह का एक बर्तन से बना दीजिए और इसमें जो भी इसमें ग्रेफाइट डाल दिए यहाँ पर ठीक है, यहाँ थर्मामीटर लगा हुआ रहेगा सब तरफ से कुछ अलग रहेगा, और जो भी ताप इसका बढ़ रहा है कैलोरीमीटर का वो नोट कीजिए मिला, तो 1 मोल जलाने पर 12 से गुणा कर दिया जाएगा, इस प्रकार से क्या निकल गया हमको कुल उष्मा का मान निकल गया। इस लेक्चर में हम लोगों ने एक विशेष अवस्था फलन एन्थैल्पी के बारे में पढ़ा, उसी से जुड़ा हुआ जो शब्द कुछ शब्दावली था जैसे कि तुमको उष्मा धारिता विशिष्ट उष्मा धारिता मोलर उष्मा धारिता में 2 प्रकार का था नियत दाब नियत आयतन सीपीसीडी
उसके संबंध और उसके जुड़े हुए कुछ उदाहरण को हम लोगों ने पढ़ा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कुछ जो प्रतिक्रिया, अलग अलग विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया कराया जाएगा, तो उसमें किस प्रकार से उसका एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, अलग अलग प्रकार के एंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे, उसका एंथैल्पी परिवर्तन विभिन्न विभिन्न प्रक्रियाओं प्रतिक्रियाओं में उसका हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। और उसी लेक्चर में होगा तो हेस का एक नियम है जिसकी भी हम लोग चर्चा उस लेक्चर में करने का कोशिश करेंगे। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।